आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। द क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक। तो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? ऑक्सिन, इथाइलिन, ABA एंड साइटोकाइनिन। फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, ऑक्सिन हार्मोन। तो ये हमारा जो हार्मोन है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है एपिकल डोमिनेंस के लिए, पार्थेनोकार्पी के लिए, सेल एलोंगेशन के लिए, रूटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड हमारा जो ऑप्शन दिया गया है वो हार्मोन है इथाइलिन। मेन जो रोल है इथाइलिन का, ये हमारा जो हार्मोन है ये हाईली अफेक्टिव होगा इन फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट राइपनिंग के लिए हाईली अफेक्टिव होगा। और ये हमारा हार्मोन क्या करता है, रेस्पिरेशन की रेट को इंक्रीज करता है, ओके, ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। और ये जो हमारा रेस्पिरेशन की रेट का इंक्रीज होना है राइपनिंग के दौरान, ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाएगी, रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक, ओके। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा इथाइलिन। फोर्थ यहाँ पे ABA, ये क्या होगा हमारा, स्ट्रेस हार्मोन, या हम बोल सकते हैं अब्सेसिक एसिड, जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल है एब्सेसन के लिए, सेनेसेंस के लिए, स्टोमेटा के क्लोजिंग के लिए। साइटोकाइनिन हमारा मेनली सेल के डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेनेसेंस को डिले करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा सेकंड। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।